गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो आज हम इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कल मैंने उस चैप्टर 3 के को वर्ड मीनिंग करने को दिए थे, आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वॉज द हेरॉन, इसमें एबल फिश लिखा है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन होगा, वॉज द हेरॉन एबल टू कैच फिश, ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें टाइप नहीं हुआ है, तो इसका आंसर होगा नो, द हेरॉन वॉज अनएबल टू कैच फिश, ठीक है। देन सेकेंड है हमारा, व्हाट वॉज द हेरॉन टोल्ड द क्रैब, द चैटर बॉक्स, द यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, द हेरॉन टोल्ड द क्रैब दैट, टेल की जगह हम टोल्ड कर देंगे, द हेरॉन टोल्ड द क्रैब दैट द फिशर मैन विल हैव बीन कमिंग देयर विथ देयर नेट्स, दे वर गोइंग टू टेक अवे ऑल द फिश फ्रॉम पॉन्ड, ओके। देन थर्ड है, व्हाई डिड द फिश एग्री टू द हेरॉन स्ट्रेंज ऑफर, फिश जो हैं हेरॉन के स्ट्रेंज ऑफर को क्यों मान गई, द फिश एग्रीड टू द हेरॉन स्ट्रेंज ऑफर बिकॉज दे वर स्कैर्ड ऑफ द फिशर मैन, किससे डरी हुई थी वो फिशर मैन से। व्हाट वॉज वेयर वॉज द हिडन पॉन्ड, हिडन पॉन्ड कहाँ था, तो द हिडन पॉन्ड वॉज इन द फॉरेस्ट। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई डिड हेरॉन पुट द क्रैब सेफली ऑन द ग्राउंड, तो इसका आंसर है, द हेरॉन पुट द क्रैब सेफली ऑन द ग्राउंड एज द क्रैब क्लंच्ड हिज नेक टाइटली विद स्ट्रॉन्ग क्लॉज, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो है नोटबुक में करने हैं और इसको लर्न भी करना है, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। मे भी आज हम पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर ही करेंगे। तो पहला प्रश्न है, तीसरी मंजिल पर क्या हो रहा था, तो तीसरी मंजिल पर पार्टी हो रही थी, इसका आंसर है ख। मोटू चूहे को गुब्बारे के बारे में कौन सी बात अजीब लगी, तो यहाँ से आप लिखोगे, मोटू चूहे को गुब्बारे के बारे में कौन सी की जगह आप लिख दोगे, यह बात अजीब लगी कि सारी चीज़ें तो नीचे आती हैं और यह गुब्बारा ऊपर जाने की ही कोशिश क्यों कर रहा है। तो ये आपका प्रश्न खा का आंसर है, ग वाला है। छोटू और मोटू चूहे सातवीं मंजिल पर कैसे पहुंच गए, तो छोटू और मोटू चूहे गुब्बारे की मदद से सातवीं मंजिल पर पहुँचे, ये इसका आंसर है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दोनों चूहे सातवीं मंजिल से तीसरी मंजिल पर कैसे आए, तो इसका आंसर होगा, दोनों चूहे सातवीं मंजिल से तीसरी मंजिल तक पाइप की मदद से आए, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस अपनी क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक में करने हैं, राइट करने हैं नोटबुक में, और साथ ही साथ इन्हें आप लर्न भी करेंगे, ओके। आज हम मैथ्स में करेंगे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, पेज 18। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो हम यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन किया हुआ है, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा दूँगी, बाकी के आप जो फोर बाकी के क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। तो पहला है डिजिट 2100, फिर है 990, 3156, 5329, 2248, 4736, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है कि बड़े से छोटा। तो बड़ा, सबसे बड़ा हमारा डिजिट कौन सा है, दिखने में तो 9 लग रहा है, लेकिन 9 में क्या है, 3 डिजिट्स हैं और बाकी सब में 4 डिजिट हैं, तो 9 क्या है, हमारा सबसे छोटा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, 5329, हम ये लिख देंगे। फिर उससे छोटा है 4736, ये लिख देंगे। फिर उससे छोटा 3 वाला है, 3156 लिख दिया। फिर उससे छोटा 2248, क्योंकि आप देखो 2 वाले 2 है, 2 है ना, तो एक है 22 और एक है 21, तो बड़ा कौन सा होता है हमारा, 22 वाला, तो हमने 22 लिख दिया। देन 2100, और उसके बाद सबसे लास्ट में ये 990, ओके। ऐसे आपको ये बी सी डी ई क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, सब जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे देखो, डिजिट्स में सबसे कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, 3, सारे जो है 3000 वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट की जो 3 डिजिट्स है ना, इन्हीं को देखेंगे। तो पहला है 2494, फिर है 924, फिर है 492, फिर है 942, फिर है 429, फिर है 249। तो 3 तो कॉमन ही है सब में, तो सबसे इसमें क्या है, सबसे छोटा लिखना है पहले। तो सबसे छोटा क्या है, 3249 हमारा सबसे छोटा है, तो हमने 3249 लिख दिया। उसके बाद उससे बड़ा 3294, तो हमने 3294 लिख दिया। उससे बड़ा
3429 है ना, 3429 लिख दिया। फिर उससे बड़ा है 3492, तो ये लिख दिया हमने। फिर उससे बड़ा क्या है, 3924 लिख दिया। सबसे बड़ा यहाँ पे 3942, तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, 3942। तो ऐसे ही बाकी के सारे क्वेश्चंस आप करोगे अपने आप। अगर कुछ ना समझ में आया हो, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।